और सपने देखकर छोटे छोटे गांव से ट्रेनों में धक्के खा खा कर आते हैं, कोई खेत बेचकर आता है, कोई माँ के गहने बेचकर आता है। आप इसके शिकार रहे हैं? बिल्कुल शिकार हूँ भाई साहब, बिल्कुल शिकार हूँ। किस बार लगवाऊँ घर जीघर से कितना रियल टाइम है, कुछ ऐसा आइडिया है? आप यहीं रहते हैं? कुछ मोटा माटी अंदाजा? तो लोग रील बना रहे थे और जो टीचर थे, या टीचर छोड़िए जो फाउंडर थे और बड़े नामी गिरामी कई लोग टीचर थे जिनका बड़ा नाम चलता है, वो लोग पूरा पीछे से सॉन्ग चलता था और रील बनता था और रील खूब वायरल। इस पर नहीं है, गायब है थोड़ा। उन लोग से पूछना क्यों नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है यार, एक भी रिजल्ट ही नहीं है। ड्यूटीज की, एक नागरिक हूँ, मेरा भी ड्यूटीज है। अगर मैं वो गूंगे भरे हो गए, वो ड्यूटीज अपने निभा नहीं रहे, तो एक नागरिक तो उठा सकता है, अगर गलत हो तो उठा के अंदर डाल दो। लेकिन 2013 में इसी जगह एग्जैक्ट यहाँ पे आमरण अनशन हुआ था, तो उसमें दो पता ही हो आपको, दो लोग मर गए थे। तो बच्चा अगर हिंदी में पढ़ रहा है तो वो गलत हो गया। दूसरी बात, स्टील प्लांट को लिखा जा रहा है इस्पात का पौधा, मतलब प्लांट को, स्टील प्लांट जो एक इंडस्ट्रियल एरिया, उसको क्या लिखा जा रहा है कि इस्पात का पौधा। तो अगर बच्चा हिंदी में ही पढ़ रहा है तो फिर वो तो गलत हो गया, तो कहीं ना कहीं एक साजिशन भेदभाव है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ शिवम दिवाकर और अक्सर आपके लिए मुखर्जी नगर की वीडियो बनाता रहता हूँ। कल जब UPSC CSE 2023 का फाइनल रिजल्ट आया, हमने बहुत सारे स्टूडेंट के इंटरव्यू किए, लेकिन मुखर्जी नगर में आपको पता है कि हिंदी पट्टी के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रहते हैं, और अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि इस बार मुखर्जी नगर से हिंदी मीडियम का लगभग कितना रिजल्ट हुआ। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट जानना चाहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गुस्सा भी है, नाराज भी है कि भाई हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम आता है, कोचिंग डे बाई डे हीरो बनते जा रहे हैं और रिजल्ट जीरो होता जा रहा है, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं। और यहाँ पे तीन दोस्त अभी हमारे साथ में हैं, डॉक्टर विक्रम चौरसिया हैं, UPSC मेंटर भी ये बताते हैं, और इन्होंने कई ऐसे NGO में काम करते हैं जहाँ पे फ्री बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दोस्त और हैं, और इधर एक दोस्त और हैं, ये UPSC एस्पिरेंट भी हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD भी कर रहे हैं ये दोस्त, और इनका NET GRF भी क्वालिफाई है। सबसे पहले डॉक्टर साहब ये जानना चाहूँगा, कल मैंने आपका एक वीडियो देखा मुखर्जी नगर का ही था, रात का, आप बहुत ही गुस्से में थे, और अक्सर ये बहुत सारी फ्रेंड का सवाल रहता है कि इस बार मुखर्जी नगर से लगभग कितना हिंदी मीडियम का रिजल्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोगों का कहना ये कोचिंग हीरो बनना है, रिजल्ट जीरो बनना है। आप क्यों कल इतना गुस्से में थे, आपको क्या लगता है कि आपके साथ ऐसा क्या हो गया, नाइंसाफी लोग गुस्से में आ गए इतना आप? मेरे साथ ही नहीं नाइंसाफी हुआ है, हर हिंदी पट्टी के बच्चों के साथ लगातार मैं बोल रहा हूँ नाइंसाफी हो रहा है। कहाँ है आपका रिजल्ट, कहाँ है टॉप 5 में हिंदी मीडियम, छोड़ दो टॉप 5 में, टॉप 50 में कहाँ है आप? फिर गुस्सा गए, गुस्सा तो गुस्सा वाला मत मत बात ही है, मैंने भी फेस किया, मैंने भी दिया है, मेरे साथ के भी मेरे मित्र हैं कई जो सेलेक्टेड हैं, मैंने देखा है किस तरीके से आयोग भेदभाव करती है। आयोग कैसे भेदभाव कर सकता है, ये बात तो मुझे थोड़ा सही नहीं लग रही आपकी। क्या हिंदी मीडियम के छात्रों के अंदर वो कैलिबरिटी, वो टैलेंट नहीं है जो वो भी टॉप 5 में आए, टॉप 50 में आए? इस बार टॉप 50 में भी कोई नहीं है, टॉप 100 के तो दूर की बात है। आप आयोग पे तो क्वेश्चन उठा ही नहीं सकते चौरसिया साहब। क्यों नहीं उठा सकते हैं, इस देश के नागरिक हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ। आर्टिकल 51A हमारे कर्तव्यों की बात होती है, ड्यूटीज की, एक नागरिक हूँ, मेरा भी ड्यूटीज है। अगर मैं वो गूंगे भरे हो गए, वो ड्यूटीज अपने निभा नहीं रहे, तो एक नागरिक तो उठा सकता है, अगर गलत हो तो उठा के अंदर डाल दो। UPSC उन कैंडिडेट को लेगा ना जो उसके लायक होंगे, या हर किसी को उठा लेगा? विक्रम जी आप नाराज हो जाते हैं अगर सवाल पूछ ले कोई भी तो। नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदी मीडियम वालों के पास वो क्षमता नहीं है, वो टैलेंट नहीं है? कर दो इंग्लिश भाषा से, बोल दो कि जो वही छात्र को हम फॉर्म भरवाएंगे जो इंग्लिश मीडियम से एग्जाम दे सकता है, हिंदी से नहीं, कर दो। फिर लोग हिंदी मीडियम सपना देखना ही छोड़ देंगे, गांव गरीब मजदूर के बच्चे, हिंदी पट्टी के बच्चे बंद कर देंगे तैयारी करना, और अगर मैं तैयारी करना होगा तो फिर इंग्लिश मजबूत करके आएंगे तभी इंग्लिश में करेंगे, वो बंद कर दो ना। हम कहा करें, एक नोटिफिकेशन निकालो कि मैं अब हिंदी मीडियम के छात्रों को नहीं ले सकता, उनके अंदर टैलेंट नहीं है, ले लो सारे एलिट फैमिली वालों को। कुछ लोग ये कह रहे थे कि इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम हुआ है, तो आप अपना आंकड़े पे क्या कहना चाहेंगे? ये रिकॉर्ड है, कितने हुए? 42 ऑन रिकॉर्ड, अभी तक 42 हुआ है। बाकी कुछ सुन रहा हूँ रिजर्व में सीटें हैं, कुछ प्रोविजनल में हैं, तो जब रिजल्ट आएगा तब की बात है। लेकिन अब सोचिए कि 1200 ही क्यों गुस्सा जाते हैं, यहाँ पे तो कई लाख स्टूडेंट रहते हैं, कोई किसी को कोई नाराजगी नहीं है, आप क्यों हमेशा? भाई साहब, दर्द सभी के अंदर है, इमोशन सभी के अंदर है, हर एक माँ बाप के सपने यहाँ आकर संघर्ष रात दिन कर रहा है, सबके अंदर है।
लेकिन वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, वो बोल नहीं रहे हैं, दर्द उनको पड़ रही है, उनको वो झेल रहे हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे हैं अपनी बातों को, बोल नहीं पा रहे हैं, उस दर्द को झेल रहे हैं। आपको अभी एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ, लेटेस्ट एग्जाम्पल, झारखंड में पेपर हुआ JPSC का, ऐसे हर जगह का ही हाल है, यूपी हो, बिहार हो, XYZ, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेटेस्ट बता रहा हूँ। लोग रात भर ट्रेनों में धक्के खा कर गए, क्योंकि वो अचानक सा मेल पर सबको भेजने लगा एडमिट कार्ड, अचानक सा फॉर्म भरवाता है, 10 दिन के बाद पता चलता है एग्जाम है, लोग देने गए, उसमें हम भी भुक्तभोगी हैं। रात भर लोग धक्के खाते गए, स्टेशन पर मच्छर काट रहा है, वहाँ सोए हैं, और सेंटर पर पता चलता है पेपर लीक हो गया, ऑलरेडी सील टूटा हुआ आता है, और अभी तक आयोग उसको कैंसिल भी नहीं करती है, कहती है हम मानेंगे नहीं। और सिर्फ पेपर नहीं, चाहे यूपी वाला हुआ हो, RO का पेपर हुआ हो, चाहे BPSC हो, कोई भी हो, सिर्फ पेपर लीक नहीं होता है, उन माँ बाप के सपने लीक होते हैं, इस देश का भविष्य लीक होता है। आप ये बताओ, चुनाव समय पर हो जाता है, समय पर रिजल्ट आ जाता है, समय पर लोग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, लेकिन हमारा एग्जाम, हम एग्जाम कौन तैयारी करता है? कोई ब्यूरोक्रेट अंबानी का बेटा ही IAS की तैयारी करने आता है? नहीं, क्यों, क्या वो लोग कर नहीं सकते क्या? उनको जरूरत ही क्या है, नहीं कर सकते। कभी देखें आप, कहीं देखें बड़े कॉरपोरेट पॉलिटिशियंस के बच्चे आते हैं प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं आते हैं। आप फिलहाल हिंदी मीडियम के रिजल्ट पे आइए, जिस पे आप बहुत गुस्सा थे, आप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाते हैं कई वीडियो में, इतना क्यों गुस्सा जाते हैं? लगता है आपका दर्द अंदर छुपा हुआ है आपका। हिंदी बेल्ट को लेकर जब हमारे प्रधानमंत्री जी हर जगह जाते हैं, कहते हैं हम हिंद देश से आए हैं, हिंदी को हम प्रमोट करते हैं, हम हिंदी भाषी से हैं, तो फिर हिंदी भाषी के साथ आयोग क्यों नाइंसाफी करता है? हर बार, एक बार नहीं, हर बार होता है हिंदी बेल्ट के छात्रों के साथ, हिंदी पट्टी के छात्रों के साथ। आखिर में क्यों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ ना, आखिर क्यों नहीं टॉप 50 में हिंदी? क्या हिंदी के बच्चों को वो मेहनत, वो चीज़ें, वो टैलेंट नहीं है? जब नहीं है तो बोल दो कि हम नहीं लेंगे। विक्रम जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, आप बताइए दोस्त, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनु शर्मा है। आप दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं, JRF भी आपने क्वालिफाई किया है, ये बताइए कि आपको क्या लगता है, UPSC की तैयारी भी करते हैं? हाँ, UPSC की तैयारी कर रहा हूँ। 84 साहब कह रहे हैं कि हिंदी मीडियम के एक फ्रेंड के साथ भेदभाव किया जाता है, मुखर्जी नगर का रिजल्ट 0 है, यहाँ पे कोचिंग 0 है, ऐसा कई लोग बताते हैं, आप क्या मानते हैं? भेदभाव में ये है कि UPSC कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक साजिशन भेदभाव है, वो एक बड़े लेवल से पहले से चला रहा है। जैसे 1979, आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, 1979 में सिर्फ इंग्लिश मीडियम था, एक LIT लोग देते होंगे इंग्लिश मीडियम से, उसके बाद जब 1979 से पहली बार हिंदी मीडियम हुआ तो हिंदी वाले बैठने लगे, लेकिन 2013 में इसी जगह एग्जैक्ट यहाँ पे आमरण अनशन हुआ था, तो उसमें दो, पता ही हो आपको, दो लोग मर गए थे शायद, मैंने सुना था 2014 की बात है, तो बहुत बड़े लेवल का मूवमेंट हुआ था। और 2015 ने मैं UPSC ने उनकी बात सुनी, लेकिन किस तरह से सुनी कि उसको सिर्फ पासिंग कर दिया, जबकि बच्चे चाहते थे कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग ना होके हट ही जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं IIT वाले बच्चे कर पाते हैं। तो इसको मैं नॉर्मली देखूँ भाषा के स्तर पर, 2021 का पेपर या 20 का पेपर है, उसमें आया है जो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन हिंदी में, तो बच्चा अगर हिंदी में पढ़ रहा है तो वो गलत हो गया। दूसरी बात, स्टील प्लांट को लिखा जा रहा है इस्पात का पौधा, मतलब प्लांट को, स्टील प्लांट जो एक इंडस्ट्रियल एरिया, उसको क्या लिखा जा रहा है कि इस्पात का पौधा, तो अगर बच्चा हिंदी में ही पढ़ रहा है तो फिर वो तो गलत हो गया। तो कहीं ना कहीं एक साजिशन भेदभाव है इंग्लिश को, और इंटरव्यू में भी बड़े बड़े जैसे रवि साग, इनसे बढ़िया तो कोई है नहीं, मतलब पढ़ने में, एक पर्सनैलिटी टेस्ट में, ऐसे लोगों को इतने। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि इनसे बढ़िया तो कोई है नहीं, जो इस बार फिर फाइनल रिजल्ट आया, इसमें फिर हिंदी मीडियम वालों का हो कैसे गया, अगर हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हो रहा है? सिलेक्शन हो गया सर, लेकिन टॉप 50 में कोई नहीं, 153, उसके बाद 200 में से 3 बच्चे हैं। क्या हिंदी मीडियम इतना पिछड़ा हुआ है? क्या जो पहले से ही IRS वगैरह हैं वो इतने बढ़िया नहीं है कि वो और अच्छा कर पाएँ? टॉप 50 में आ सकते हैं, टॉप 5 में आ सकते हैं, टॉप 1 में क्यों नहीं आ सकते? कहीं ना कहीं ये है कि उनके दिमाग में ये बसा हुआ है कि हिंदी मीडियम वाले कमजोर होते हैं, और वो भाषा के स्तर पे कॉम्प्रिहेंशन, आपको ये आपको ऐसा लगता है, लेकिन ये गलत लग रहा है मुझे। गलत क्यों लग रहा है? क्यों होगा? बोला है उसके बाद जो भी संस्था के ओनर सबने बोला है, और संस्था के ओनर या फिर किसी टीचर के बोलने से तो ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन क्योंकि UPSC से नहीं बैठा ना, किसी के कहने से कुछ भी हो जाएगा। अभी तक ये बताइए, टोटल रिजल्ट में 42 ही कहाँ हिंदी मीडियम दिख रहा है भाई? तो वैसा है तो फिर अंग्रेजी को ही कर दो, राष्ट्रभाषा कर दो, और बोलो अंग्रेजी में लेंगे। इससे क्या होगा ना, जब आयोग बोल दे कि इंग्लिश में ही लेंगे ना, जैसे कुछ एग्जाम होता है जहाँ पता होता है पार्टिकुलरली कि हम इसी लैंग्वेज में लेंगे, पार्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं ठीक ना, तो वही ऐसा कह देगा तो जो बच्चे सपने देख कर आते हैं, बड़ा बड़ा कोचिंग वाले भी अपना दिखाते हैं सपना,
कि कोनो मूंगफली बेचा है तो कोनो रिक्शा चला है आ गया, और उस सपने देखकर छोटे छोटे गांव से ट्रेनों में धक्के खा खा कर आते हैं, कोई खेत बेचकर आता है, कोई माँ के गहने बेचकर आता है। आप इसके शिकार रहे हैं? बिल्कुल शिकार हूँ भाई साहब, बिल्कुल शिकार हूँ, सच्चाई है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, ठीक ना। और कैसे यहाँ आदमी रहता है, किस तरीके से, सबको पता है, 8x10 के कमरे में यहाँ बच्चे रहते हैं, क्या फेस करते हैं, कोई किसी से छुपा नहीं है, ये दर्द किसी से छुपा नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन आज युवा मरा हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को जगने की जरूरत है। मरा हुआ है, सब लोग तो जाग रहे हैं लेकिन कोई बोल नहीं रहा है। आप ही, आपको लगता है कि आप नहीं, नहीं आप अगर आप बोलते हैं तो आपको लगता है कि आप ही जिंदा है, बाकी लोगों को परेशानी नहीं। आज मतलब कहीं ना कहीं यूथ जो है, आपने देखा होगा कई सारे, जैसे रेलवे पेपर लीक हुआ, स्कैम, कई सारी चीजें। रेलवे को छोड़िए, आप यूपीएससी वाले पे ही आइए। यूपीएससी में ये कहना चाहता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन पिछली बार जो आया है वो हिंदी और इंग्लिश, उसकी देख लीजिए सबसे पहला। दूसरी बात ये कंसर्न है कि जो मैथ आया उसमें क्वेश्चन कैसे आईआईटी के, 12 से 13 क्वेश्चन आईआईटी और आईएएम में जो क्वेश्चन आते कैट में। मेरा फ्रेंड है बैठा हुआ है अभी मेंटरशिप में, उसका प्रीलिम्स तक नहीं हुआ, जो ऑलरेडी आईपीएस है, आईआरएस है, जो साथ में बैठता था, उसका प्रीलिम्स तक नहीं हुआ, जो ऑलरेडी सेलेक्टेड था इस बार। तो इसी पे देखा जाए तो भाषा बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि भाषा से क्या है, ये लोग मेजर करते हैं कि बच्चा होशियार है कि नहीं है। तो भाषा से अगर देखा जाए तो आदिवासी जो बच्चा होता है चिड़िया को देख के वो बता सकता है कि चिड़िया क्या कहना चाह रही है, लेकिन एक शहर का बच्चा बता के देखा है वो तो भाषा से मतलब नहीं है ना, नॉलेज का, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज तो वो परिवेश का हिस्सा है कि, लेकिन ये लोग क्या मान लेते हैं कि अगर इंग्लिश नहीं आती है तो बच्चा बिल्कुल फेल है। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है ना, वो लोग शायद सबको लग रहा है, सबके साथ भी है। अगर ऐसी बात है तो एमपीपीएससी ने क्या किया है, जो एमपीपीएससी आयोग है उसने क्या किया है कि हिंदी मीडियम जो हिंदी से बनाए ना उसको मानेंगे पहले नंबर पर, क्योंकि जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो मानना ही चाहिए, हिंदी बेल्ट है तो उसमें पहले हिंदी की ही मान्यता होगी, उसके बाद वो इंग्लिश वाले को बाद में ट्रांसलेट करेंगे। अच्छा, लेकिन यह उल्टा होता है। ये बताइए आपने यूपीएससी के कितने अटेम्प्ट दिए हैं? यूपीएससी के मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हैं। तो आप इतना नाराज क्यों हो जाते हैं? मैं देख रहा हूँ यहाँ पे लाखों स्टूडेंट रहते हैं भाई, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, आप दोनों को ही इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है? यार शिवम देखिए, एक्चुअली अब ये बताओ, एक धारा है, उस धारा में लोग बह रहे हैं, ठीक, उनको पता है कि उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप क्या चाहते हो कि हम भी आवाज़ नहीं उठाएं? एक पता है कि यहाँ दिल्ली में सबको पता है कि सब प्रवासी छात्र होते हैं, कोई बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश से आते हैं, दूर दूर से एक सपने लेकर, कोई माँ का गहने बेच कर आया है, कोई खेत बेच कर आया है, कोई डिपॉजिट अपना पिताजी का निकाल कर आया है, किसी की बहन की शादी करना है और कर्ज लेकर आया है, वो सोचता है, अंदर से घुटता है, तड़पता है, सोचता है बोलने के लिए, लेकिन सोचता है कि माइक लग जाएगा, हमारा बउआ बाबूजी या पिताजी वहाँ देखेंगे ना, कहेंगे फोन करके अब आ जाओ बउआ, अब तो हो गल, तू नेता बना थे, लेकिन सब यही सोचने लगेगा, अनुज भाई यही सोचने लगेंगे, हम सोचने ही लगेंगे, तो फिर आवाज़ कौन उठाएगा? कम से कम आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे रूम में बैठकर, कम से कम उनके अंदर अंदर से प्रताड़ना जो हो रही है लगातार, वो अंदर से निकलेगी तो कि हाँ यार सच है, कम से कम जगेंगे तो, नहीं तो उसी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वही हिंदी बेल्ट का चीज़ है कि उसी में फंसे तो, वो एक दूसरा ऑप्शन भी तो लेकर चलेंगे, जैसे अनुज भाई पीएचडी कर रहे हैं हिंदी से, जैसे एक्स वाई जेड का कोई। और आपको ये पता है कि इस बार लगभग मुखर्जीनगर से कितना रील आया, कुछ ऐसा आइडिया है? आप यहीं रहते हैं कुछ मोटा माटी अंदाजा? तो लोग रील बना रहे थे और जो टीचर थे, या टीचर छोड़िए जो फाउंडर थे और बड़े नामे गिरामे कई लोग टीचर थे जिनका बड़ा नाम चलता है, वो लोग पूरा पीछे से सॉन्ग चलता था और रील बनता था और रील खूब, और इस बार नहीं है, गायब है थोड़ा, तो उन लोग से पूछना क्यों नहीं है, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं है यार, एक भी रिजल्ट ही नहीं है कह सकते हो, तो मेंटरशिप से रिजल्ट नहीं है। और बताओ, खुल के बोल रहा हूँ, अपने दोस्त यार ग्रुप में हूँ ना, इस बार बड़ा रिजल्ट ही नहीं है, रिजल्ट ही नहीं है तो बोलेंगे कहाँ से, पिछली बार तो पीछे से एकदम चलता था, एकदम ऐसा ऐसा सॉन्ग पीछे से, और पीछे से एकदम लोग आ रहे हैं, एकदम लगता था क्या जंग जीत के आए। आप क्या कहना चाहेंगे, कह रहे हैं कि रील्स वाला बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि पिछली बार इतने वायरल जानबूझ के किए गए और उसका रीजन है क्यों नहीं हुआ, सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हो पाया, जो अच्छे अच्छे बच्चे उनका सीसेट नहीं हुआ, क्योंकि सीसेट आया उसमें आईआईटी के क्वेश्चन, आईएम के घुसा दिए गए क्वेश्चन, और जो बीए का बच्चा है प्राइवेट वो भी, तो वो बच्चा कैसे क्वालिफाई करेगा? और जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा होता है कहीं ना कहीं उसका बैकअप मजबूत होता है, वो इतना नहीं सोच पाता, वो प्रेशर नहीं होता जितना हिंदी मीडियम को होता है। और हमारा क्या है कि जैसे हमें, मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ, तो शोधार्थी भी हैं, हैं शोधार्थी भी हैं आप? शोधार्थी हूँ, तो मैं, मेरा तो ये प्रोफेसर का भी एग्जाम दे सकता हूँ, लेकिन वो बच्चे बीए वाले जिनके पास स्किल वो वाली नहीं है कि वो बीटेक नहीं किए हुए हैं, उनका बैकअप नहीं, उनके लिए क्या हिंदी मीडियम क्या करेगा? तो कम से कम इतना होना चाहिए कि यूपीएससी को सुधार करना चाहिए, जो 2014 में यहाँ पे आमरण अनशन हुआ था, लोगों को भर भर के मारा गया था, गेट तोड़ दिए गए थे
ढक्का में हम लोगों ने देखा था गेट तोड़े, तो इसीलिए 2014 में जो हुआ था वो दोबारा से ना हो, और 2013 में 3% रिजल्ट हो गया था वो दोबारा से फिर और कम ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। और जो सरकार के जो प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं अनशन तोड़वाने, उन्हें ये तक नहीं पता होता सीसेट क्या होता। अब जाके यूट्यूब पे वीडियो देखो, मनोज तिवारी आए और भी जो लोग थे जो भी मंत्री थे उस टाइम, तो उन्होंने ये तक नहीं पता था सीसेट भला क्या है। यंजनाओं का सबके उस पर देखना। आप कुछ कह रहे थे कि रिजल्ट कैसे होता है, मैं बताऊंगा। बताइए क्या मतलब आपके पास में कुछ ऐसी शक्ति है? हाँ, क्या है? एक अचानक सा मेरे पास मैसेज आता है। एक्चुअली जब रिजल्ट आया था तो मेरा एक्चुअली नवरात्रा था, फास्ट भी था लास्ट का, और मैं थोड़ा फीवर था, मैं सोया हुआ था। रिजल्ट कल की बात है ये? हाँ, कल की बात है। अचानक सा कल मेरे पास मैसेज आता है मंडे को ये कि सर, हाय सर, आई हैव क्वालिफाइड इन UPSC। तो ये लड़का ऐसा है जो दिल्ली तक नहीं आ सकता, और बहुत रहते हैं। क्या नाम है इनका? सुशील कुमार नाम है। मैं कितना रैंक बताऊंगा, मैं सब कुछ यहाँ भेजा हुआ है। 989 रैंक खुद से बंदा लाया है। कुछ कुछ नोट्स वगैरह जरूरत थी तो मैं भेजा करता था यहाँ से। और ऐसे कई लोग हैं जो मैं इस ग्रुप से दिखा दूँ आपको, जो लोगों का हुआ है वो मत दिखाइए, उनकी प्राइवेसी है, रहने दीजिए। नहीं, फिर भी प्राइवेसी को भी, क्योंकि जो रियलिटी है उसमें प्राइवेसी क्या, सच्चाई है ना जी। यहाँ से 17 लोगों का ऐसे ऐसे मैसेज आता है, लगभग वो लोग सेल्फ स्टडी किए थे, यहाँ से कंटेंट चीज़ें भेजा गया था। कोचिंग वाले सिर्फ माहौल बनाते हैं साहब, फिर टॉपर नहीं बनाते हैं। टॉपर का ये मानना है, टॉपर बनाते तो खुद नहीं बन जाते हैं। हाँ, फिर सबसे पहले अपने रिलेटिव को बना देते हो, अपने लोगों को बना देते, DM बैठा देते, बैठा देते, सब माहौल है। कुछ कहना चाह रहे थे? टॉपर तो खुद से बनते हैं, और बस इसका क्रेडिट ले जाती है कोचिंग संस्थान। सबसे बड़ी दोस्तों, आज हम मुखर्जी नगर में ही थे, रात का समय था, कल ही UPSC का फाइनल रिजल्ट आया था। हमने बहुत सारी फ्रेंड से बात की है, हमारे साथ में थे डॉक्टर विक्रम चौरसिया, और इधर सुधारती हैं राहुल जी, इधर सुधारती हैं अनुज शर्मा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रहे हैं। हमने इनसे भी बात की है, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या मानते हैं, क्योंकि कई लाख लोग डेली वीडियोस देखते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के विचार होते हैं, आपके अपने क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।